पर उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है, इंडिया हमारे सामने इंडिया है। बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। Alright, in a first, a roaring show of Formula 4 was held in the beautiful Kashmir. ये पहली Formula 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है। आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाएं। नगर में फॉर्मूला 4 कार रेस की मेजबानी एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि रेस जो है एक फॉर्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के तावन के साथ ये मिलके किया है। तो यहाँ पर आज की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक के वहाँ पर कश्मीर के अंदर फार्मूला रेस हुआ है और फार्मूला रेसिंग के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और वो कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह, खूबसूरत पहाड़ है इर्द गिर्द में और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए, वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़कर वहां पर बाइट वायरस गए। सो क्वेश्चन ये है कि भारत इतना रेलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है, ठीक है, चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते। इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ आज से अगर हम 10 साल अगर हम तरक्की अब से करना शुरू हो जाए ना तो हम 10 साल तक भी इंडिया के बराबर नहीं पहुँचे थे। इंडिया की नौजवान, इंडिया की नस्ल इतनी आगे हमसे चलेगी। ऐसा क्या किया है इंडिया में छोटे छोटे बच्चे को, बड़े हर औरत को, हर लेडीज़, जितनी भी वूमेन है, जितने मैन उधर, उनको अहमियत दी जाती है, ठीक है, उनको एक तहफ़ दिया जाता है। और इधर क्या हुआ है, इधर क्या होता है, इधर तहफ़ दिया जाता है, गरीब रोडों में मर रहा है, गरीब फुटपाथ में मर रहा है, गरीब उधर मर रहा है, गरीब उधर मर रहा है, ठीक है। जिसके पास पैसे है वही इस दुनिया में राज कर रहा है, वही पाकिस्तान में राज कर रहा है, वही बाहर जा रहा है, वही पाकिस्तान में आ रहा है। हमारे लाहौर एयरपोर्ट में चले जाएं, इतनी जितनी उधर आवाम खड़ी होकर टिकटों के लिए जलील हो रही है ना, मैं तो कहता इतनी पाकिस्तान में लंगर वाली लाइन में नहीं खड़े हो गए जितने हमारे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट में खड़े होकर जलील होते हैं। एयरपोर्ट पे पीआईए की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, पेट्रोल नहीं था। ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं। तो ये मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया, अपनी कंट्री के लिए उसने क्या किया, अपनी कंट्री के लिए उस मोदी ने, मोदी उस मोदी का कहना नहीं, उनका एक एहतराम है, वो जैसे भी हैं वेरी गुड, हमसे बेहतर हैं वो, ठीक है, और हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं वो, हमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, हमारे पाकिस्तान के रोड देख लो, उनके रोड देख लो। हमारे पाकिस्तान में एक गाड़ी वाला जा रहा है ना, अगले दिन उसने गाड़ी घर में खिलार दिया, क्यों, खड्डे बड़े हैं यार, मेरी गाड़ी को ये आ रहा है, मेरी गाड़ी को उधर क्या है। उसने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, हम अपने पाकिस्तान को 10-12 साल में नहीं डेवलप कर सकते। हमारे पाकिस्तान में रखा ही अब क्या है, कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली कर दिया हुआ, मार दिया हुआ, नौजवान नस्ल मार रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी, अपनी बाइक सब कुछ है, लेकिन मैं निकल नहीं सकता, मेरे पास लाइसेंस नहीं है अपनी गाड़ी का, आईडी कार्ड नहीं है। हाँ, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ठीक है, लेकिन आपने रोड्स की बात की है जी, इसके अलावा वो किस चीज़ में आगे निकल गए, पीएम मोदी ने उनको और किन किन फील्ड्स में आगे निकाल दिया, इसके अलावा वो किस चीज़ में आगे निकल गए, वो टैलेंट में आगे निकल गए हमें, वो तरक्की में आगे निकल गए हमें। उधर की पाकिस्तानी आवाम, हमारे इंडिया के आवाम हमारे पाकिस्तानियों से बहुत आगे है टैलेंट में, इधर टैलेंट को अहमियत दी ही नहीं जाती। जिसके पास टैलेंट होता है ना उसको देख के ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वो लंगर वाले लाइन में साइड पे कर दिया, पीछे हो जाए साइड पे, अगले दिन नजर ही नहीं आता, बिल्कुल नजर ही नहीं आता। और उधर एक छोटे से बच्चे में टैलेंट है, उसको वो खुद बुलाते हैं उधर, अपने उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसको एक मुकाम दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्या मुकाम दिया जाता है, क्या पीएम मोदी को फिर सही इज्जत देते हैं पूरी दुनिया में, उनको कहते हैं वर्ल्ड लीडर। मैं दुनिया का वो वर्ल्ड लीडर है, मैं अपने पाकिस्तानी लीडरों को साइड पर रखता हूँ, बल्कि मैं उनको खाक में रखता हूँ, क्यों, क्योंकि जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है, ठीक है, चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते, दरबार नहीं खड़ा कर सकते। आज लोग मरते हैं तो उनके लिए कब्र में दफनाने के लिए ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, हमारे हुक्मरान क्या कर सकते हैं, अबे मरने के लिए किसी के लिए जगह थोड़ी सी रख दो, वो नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा, अभी आपने रिसेंटली एक बात बोली है, वहाँ चले जाएं तो वहाँ इज्जत देंगे, इसका क्या मतलब था? अगर हम चले जाएंगे ना, आप देख लें,
हम चाइना में चले जाएंगे, अब चाइना के साथ हमारे पाकिस्तान का एक बॉन्ड बना हुआ है। क्यों उनके साथ बॉन्ड इस तरह का बना हुआ है कि चाइना जो है इधर आके हमारे इधर अपना उन्होंने एक बिजनेस बना लिया और वो इधर अपना बिजनेस ही करते हैं। कहीं भी देख लें कि हमारे पाकिस्तान में आम हुआ है चाइना फेटे वे तो वो अलग मुल्क में ले लें कि चाइना ने अपने अलग अलग कंट्रीज में बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा पाकिस्तान क्या ग्रो कर रहा है? हमारा पाकिस्तान एकेडमिक पावर बना के बड़ा खुद को महान समझ रहा है। आज के दौर में एकेडमिक पावर हर मुल्क बना सकता है, हमारा पाकिस्तान ने बना लिया हुआ है। तो हमारे पाकिस्तान में अगर देखूँ ना तो इंडिया में बहुत आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पर चली जाएँ, हमारे बॉर्डर पर चली जाएँ, उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर देख, हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना, और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है, इंडिया हमारे सामने, इंडिया पे बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं या कुछ भी करते हैं। अभी की न्यूज़ बताता जाऊँ, वहाँ पर फार्मूला कार्स की रेसिंग करवाई जा रही हैं और कार ने ऐसे ऐसे स्टंट्स दिखाए हैं कि पूरी दुनिया में वो वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ पर हो रही है ये रेस इतनी कमाल शानदार किस्म की, तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये इंडियन साइड कश्मीर है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर तो G20 की मीटिंग भी वहाँ पर हुई, इंडिया G7 का भी पार्ट वहाँ पर, G7 में भी बुलाया जाता है। अगर बात करें वहाँ पर तो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पर विजिट करके गई हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है और $14 बिलियन का वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बजट दिया जाता है कश्मीर को, कैसे देखते हो ये सारी बातें, क्यों हम का क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए, थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को? बेसिकली जितनी भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं ये सब की सब इंटर रिलेटेड हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पोलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब हमारे यहाँ देखें 2017 से लेकर 2023 तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं, 6 वज़ीर आज़म आए हैं, ठीक है, पहले नवाज शरीफ थे, उसके बाद शाद खाकान अब्बासी थे, उसके बाद एक केयर टेकर आए, फिर इमरान खान आए, फिर शहबाज शरीफ आए, फिर केयर टेकर आए, दोबारा शहबाज, 6 साल में 6 वज़रा आज़म। यहाँ कोई भी पॉलिसी होती है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती, हाँ जो इनकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से जो इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो फ्लरिश करती हैं और वो यही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो उनका इंडियन कश्मीर है, इंडियन यानी अभी मुतनाज़ है जो भी कह लें, तो वहाँ वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी एक स्टेट लेवल की पॉलिसी और वो उनको उसके समरात मिल रहे हैं और वो उनको मिलेंगे। बनिस्बत अगर पाकिस्तान के देखा जाए तो हमारे कम्प्लेक्स किस्म के मामलात हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक कन्वेंशनल टाइप की पॉलिसीज़ हैं और उनकी जो ज़्यादातर तवज्जो होती है वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ ही है, अभी तक उनसे गवर्नमेंट सेटल नहीं हो रही। दो कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा हो रही है? यार इंडिया के कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, हाँ, कैसे पता चला आपको? वो वहाँ पे वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत कश्मीर को लेके और वहाँ की जो जनरल पब्लिक है मुझे लगता है वो ज़्यादा कश्मीर है? हाँ सीरियस है कश्मीर को लेके। यहाँ पर लोग तो कहते हैं कि दिखावा कर रहा, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का पार्ट है कश्मीर, वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा, क्या हकीकत है? हकीकत यार इसमें यही है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं। और दूसरा यार मेरी बात सुनो ना कि अमेरिका को भी देखना चाहिए ना कि अमेरिका का भी एक फैक्टर है, अमेरिका इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है, अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर जिस चीज़ जिसको सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो सुपर पावर के साथ उनका मतलब इतना नहीं है।